गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश इन हिंदी. और आज मैं आपका एक और चैप्टर लेके आ रही हूँ. दैट इज योर चैप्टर फोर्थ ऑफ द नॉवल द इनविजिबल मैन. क्या है चैप्टर का नाम? पहले चैप्टर का नाम डिस्कस करते हैं, जैसे अपन हमारी हर वीडियो के अंदर कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है मिस्टर कर्स इंटरव्यूज द स्ट्रेंजर. इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू मतलब आप एक क्या कहते हैं, फेस टू फेस बैठे हो और आपको कोई बढ़िया सवाल जवाब कर रहा हूँ. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे मिस्टर कर्स जो आपका एक नया कैरेक्टर है आपके इस चैप्टर के अंदर, नया नया है, जो नया नया आया है कैरेक्टर, वो किसका इंटरव्यू लेंगे? स्ट्रेंजर मैन का. इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन हमारी हर वीडियो में जिस तरीके से अपन कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, तो पहले अपन कैरेक्टर डिस्कस करते हैं जितने भी इस थर्ड फोर्थ चैप्टर के अंदर आपके मेंशन है. ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर कर्स. ठीक है, क्या थे ये? जनरल प्रैक्टिशनर ऑफ विलेज, मतलब जो ये हॉस्पिटल वगैरह के जनरल काम करते हैं वैसे कुछ. ठीक है, तो ये आपका नया कैरेक्टर है जो आपके चैप्टर फोर्थ के अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया गया है. नेक्स्ट इज योर मिस्टर एंड मिसेस हॉल. मैंने बोला था ये लोग पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक वो आइपिंग से बाहर नहीं निकल जाता. ठीक है, आगे मिस्टर गोल्ड, मतलब असिस्टेंट इन नेशनल स्कूल. ये सिर्फ एक छोटा सा कैरेक्टर है, ज्यादा कोई आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है. ये सिर्फ स्ट्रेंजर मैन के बारे में रूमर्स फैला रहा था. रूमर तो पूरी दुनिया अपन के बारे में फैलाती है, लोग तो जलेंगे, जलने वालों का आप कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो ये क्या कर रहा था? ये सिर्फ स्ट्रेंजर मैन के बारे में फालतू की रूमर्स फैला रहा था, कुछ भी, कोई भूत है वो, कोई चोर है, ऐसे करके. ठीक है, आगे लास्ट कैरेक्टर जो आपका इस चैप्टर के अंदर मेंशन है और इसके बारे में आगे अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, दैट इज योर मिस्टर विकार बंटिंग. ये आपको याद रखना है, मतलब आपको याद तो सब कुछ ही रखना है, सारे कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए कौन क्या है. ठीक है, लेकिन इसके बारे में अपन आने वाले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे. सो गाइज, अपन अब अपने पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बोर्ड पे मेंशन है. सो पहला पॉइंट, हिज अपीयरेंस गेव अ फ्राइट टू विलेजर्स. मतलब एक ऐसा इंसान जो सुबह से लेके शाम तक हाथों में ग्लव्स पहन के रखता है, सर पे टोपी लगा के रखता है, कभी विश्वास मत करना. ठीक है, तो विलेजर्स भी क्या होगा, थोड़े से अजीब तरीके से, क्या है, सारा टाइम ग्लव्स लगा के बैठा रहता है, सारा टाइम टोपी पहन के बैठा रहता है, पूरा बैंडेज से कवर है, कभी किसी हॉस्पिटल नहीं जाता इलाज के लिए, कभी किसी चर्च नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, किसी से कभी कोई बात नहीं करता. और बाहर कब आता है? सेमी डार्कनेस में, मतलब सिर्फ शाम के टाइम पे जब अंधेरा थोड़ा सा ज्यादा होता है वो सिर्फ तब बाहर आता है. तो लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि भाई ये ऐसा कैसा अजीब सा इंसान है जो किसी मंदिर में नहीं जाता, कुछ उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती, किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, मतलब आजू बाजू वालों से बात नहीं करता. ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर बट फ्यू पीपल बिलीव ही वॉज क्रिमिनल. वो खुद को क्या बोलता था कि भाई मैं तो बढ़िया साइंटिस्ट हूँ, बहुत बड़ा, मेरा बहुत नाम है, और मैं क्या हूँ? एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर, मतलब मैं एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे क्या करता रहता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता रहता हूँ. लेकिन लोग क्या समझते थे उसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लोग उसको समझते थे क्रिमिनल, जिसने कोई गुनाह किया हो, जो पुलिस जिसको कंटिन्यूसली ढूंढ रही हो. ठीक है, आगे पीपल लाइक साइलेंस डर्गन थॉट्स दैट स्ट्रेंजर इज अ फ्रीक एंड ही शुड बी एट कंट्रीज फेयर. अब ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ नहीं किया जाता, ठीक है, जो तुम्हारे बारे में कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बोलने से. तो ऐसा ही एक इंसान जिसको मैंने आपके कैरेक्टर्स में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. ठीक है गाइज, ये क्यों इंपॉर्टेंस नहीं रखता? क्योंकि सिर्फ इसने एक ही बात बोली थी, इस इंसान ने सिर्फ एक चीज बोली थी कि ऐसे स्ट्रेंजर मैन को कहां पे रखना चाहिए, कंट्री फेयर पे रखना चाहिए, और लोगों को पैसे देने चाहिए इसको देखने के. ठीक है, मतलब बढ़िया पैसे कमाओ, इसको एक जगह बिठा दो. मम्मी बोलती है ना, तेरे को तो म्यूजियम में जाके रखना चाहिए, मेरी मम्मी तो मुझे बहुत बोलती है. ठीक है, तो वैसे कि लोग तुझे आके पैसे दे तुझे देखने के, तो ऐसे लोग इसके, ऐसे लोग क्या बोला इसने कि इस स्ट्रेंज मैन को अपन कंट्री फेयर के अंदर रखता है, फिर अपन लोगों से पैसा चार्ज करेंगे कि आके देखो इसको कितना अजीब है ये. ठीक है, लास्ट से आता है आपका बोगी मैन. वॉट इज बोगी मैन? एक बोगी मैन एक सॉन्ग है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा, क्योंकि मैं बाहर नहीं, मैं इंडिया में रहती हूँ. ठीक, तो बोगी मैन उसको बच्चे बुलाने लग गए थे, लोग बुलाने लग गए थे. कौन से लोग? आइपिंग के लोग, मतलब उस विलेज में जितने भी लोग थे वो उसको क्या बुलाते थे, देखो देखो बोगी मैन आ गया. ठीक है, अजीब सा इंसान, बहुत स्ट्रेंज, पागल, अजीब, ठीक है, कुछ बोल सकते हो. सो ये थे गाइज आपके बोर्ड पे जो पॉइंट थे. अब आ जाते हैं अपन अपनी देसी भाषा में, अपनी हिंदी में अपन पूरी स्टोरी को समझते हैं. मिस्टर कर्स जो ये है इंसान, ठीक है, वो क्या करते थे? जनरल प्रैक्टिशनर ऑफ विलेज.
इन्हों को पता पड़ा कि कोच एंड हॉर्सेस के अंदर एक अजीब सा इंसान आके स्टे कर रहा है, तो इनके दिमाग में खलबली, ठीक है, मतलब होता है किसी किसी को, लोग बहुत ऐसे होते हैं कि पता करके ही रहेंगे हम ये कहाँ है, कहाँ जाता है, क्या करती है ये वो, बहुत लोग करते हैं यार, बहुत छोड़ो। सो मिस्टर कर्स जो थे जनरल प्रैक्टिशनर ऑफ विलेज, उनके दिमाग में भी ऐसा थॉट आया कि यार ये है कौन, मतलब इसके बारे में तो पता करना ही पड़ेगा, क्यों सिर्फ मैं ही हूँ जो इससे नहीं मिला हूं, मुझे भी जाके इससे मिलना है। तो इसने क्या डिसाइड किया कि मैं आज कहाँ जाऊंगा, कोच एंड हॉर्सेस इन में जाऊंगा और मैं वहां पे जाके देखूंगा कि ये आखिर है कौन, ठीक है। तो मिसेस हॉल जो थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थी, वो अपसेट थी, किससे अपसेट थी, स्ट्रेंज मैन से अपसेट थी, क्योंकि वो अपने रूम में किसी को आने नहीं देता था, कुछ करने नहीं देता था, कोई भी ऐसे अचानक से उसके रूम में घुस जाए तो सारे टाइम उसको शट करते रहते थे कि निकल जाओ मेरे रूम से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मिसेस हॉल उससे ऑलरेडी खूब परेशान थी, किससे परेशान थी, स्ट्रेंजर मैन से। तो मिस्टर कस वहां पे आते हैं कोच एंड हॉर्सेस के अंदर और वो बोलते हैं कि मुझे फंड चाहिए, ठीक है। फंड किसके लिए चाहिए था, उसको विलेज की नर्स के लिए, जो भी सारी नर्सें होती है उनके लिए उसको कोई फंड चाहिए था। तो वो किसके पास गया फंड कलेक्ट करने, वो गया स्ट्रेंज मैन के पास में फंड कलेक्ट करने, ठीक है। तो जब वो फंड कलेक्ट करने गया तो वो उसके साथ में बैठा, स्ट्रेंज मैन के साथ में फेस टू फेस वो दोनों बैठे हुए थे, ठीक है, कौन, मिस्टर कस और एक तरफ स्ट्रेंज मैन। मिस्टर कस ने सबसे पहला सवाल उससे पूछा कि तू तेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि तू किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या तेरा एक्सपेरिमेंट है, वो तू मुझे एक्सप्लेन कर। तो उसने बोला कि मेरा एक्सपेरिमेंट नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो फायर प्लेस के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो जब मिस्टर कस उसके सामने बैठे थे तो उनको उसकी अपीयरेंस बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने सारा टाइम अपने आप का ऐसे, उसका जो फेस था जहां से वो बोल रहा था उसने उसको कवर कर रखा था, इसलिए उसकी आवाज कैसी थी, मफल्ड वॉइस, ठीक है। किसी अपन किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं तो आवाज कैसे, आपने किया कभी फोन पे आवाज बदल के बात, मैंने तो बचपन में बहुत करी है, अंकल को पागल बनाती थी बढ़िया सबको, ठीक है। तो तुम अगर तुमने भी किया तुम्हें पता होगा कि मतलब मफल का मतलब क्या होता है, मफल का मतलब ये कि आवाज बदल के बात करना। तो मिस्टर कस को क्या लगा कि ये इतना वियर्ड है कि ये मुझसे ऐसे कपड़ा रख के बात कर रहा है, इसलिए मुझे इसकी सही आवाज भी पता नहीं पड़ रही है। आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि अच्छा तेरा एक्सपेरिमेंट नेवर एंडिंग है तो ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, मतलब ये फायर प्लेस में कैसे आया। तो क्या कर रहा है स्ट्रेंजर मैन ने ऐसे करके, मतलब ऐसे अपन पॉइंट करते हैं ना किसी की तरफ, उसने ऐसे पॉइंट करके एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे वो वहां पे गिर गया। तो जब उस स्ट्रेंज मैन ने उधर पॉइंट किया था तब उसकी जो स्लीव्स थी, जो आप स्लीव्स होती है आपकी कोट के अंदर, तो मिस्टर कस ने क्या देखा कि उसके ग्लव और उसकी स्लीव के बीच में जो स्पेस है दैट वॉज एम्प्टी, वो स्पेस खाली थी। तो कस का दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसे कैसे किसी का इंसान का हाथ ही नहीं दिख रहा, इससे पहले उसकी टांग नहीं दिख रही थी, तो मतलब ऐसे करके इतना अजीब इंसान कैसे आई। तो मिस्टर कस जो थे वो उसके सामने बहुत ज्यादा डर गए थे। अब स्ट्रेंजर मैन को पता पड़ गया कि भाई ये तो मुझसे डर रहा है, तो स्ट्रेंजर मैन ने बढ़िया मजे लिए उसके। उसने क्या करा कि वो ऐसे बोला, अच्छा अच्छा ठीक है अब मैं निकलता हूँ, मुझे कोई तुमसे फंड वंड नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेंजर को पता पड़ गया था कि भाई ये तो मुझसे डर गया, ठीक है, इसको मैं से डर गया। तो उसने बढ़िया मजे लिए, उसने क्या किया, उसने अपना ग्लव हटाया, ठीक है, उसका एम्प्टी हाथ दिखाया और बढ़िया कस की नाक को ऐसे पुल कर दिया, ठीक है, बढ़िया, उसने बढ़िया मजे लिए उसके। और मिस्टर कस जो ऑलरेडी डरे हुए थे वो इतना डर गए कि उन्होंने एक ऐसा हाथ देख लिया जिसमें ना अंगूठा था ना उंगलियां, ठीक है। तो उसने बढ़िया उसकी नाक घुमा दी, बोला अब तू जा, अब और जाके पूरी विलेज में बताइयो कि तूने एक ऐसा इंसान देखा, ठीक है। तो ये था मिस्टर कस के साथ में इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आ सकती है कि भाई कस के साथ में क्या इंसिडेंट हुआ। ये बेचारा गया था उसका इंटरव्यू लेने, उसने इसकी लगा दी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, अब ये बेचारा डरा सहमा किसी के पास तो जाएगा, तो ये किसके पास गया, बागा दौड़ा विकार के पास बंटिंग, और ये इतना जोर से हंस रहा था, इतना जोर से हंस रहा था कि तेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा एम्प्टी हाथ तेरे ऐसे नाक पोल कर रहा है। मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत फनी नॉवेल है ये आपकी कभी कभी तो, ठीक है। तो विकार बंटिंग पहले तो बहुत हंस लिया, मतलब इतना जोर जोर से हंसा कि यार क्या बकवास स्टोरी, तू क्या पीवी के आया है क्या, मतलब ऐसा लिखा हुआ था ड्रिंक करके आया ऐसा कुछ। लेकिन बाद में विकार ने उसकी इंसिडेंट के अंदर एक कीन इंटरेस्ट लिया, उसको रिमार्केबल, मतलब वो एक इंटरेस्ट के साथ में उसको सुनने लग गए। गाइस एक चीज और जो मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मिस कर गई बोल सकते हो, वो ये चीज कि जब भी कोई मिसेस हॉल से ये चीज पूछता था कि अच्छा तुम्हारे स्ट्रेंजर मैन के बारे में थोड़ा सा
बताओ। तो वो क्या बोलती थी कि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है और ना वो अपने आप को सारा टाइम बैंडेजेस में कवर इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो डिसकलर्ड है। मतलब डॉगी को देखा है अलग अलग कलर्स वाले मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक ऐसा डॉगी जिसमें से कलर के पैचेस होते हैं, तो बाकी लोगों को लगता था कि उसके ऐसे कलर के पैचेस है इसलिए वो अपने आप को सारा टाइम हाइड करता रहता है, ठीक है, इसलिए वो अपने आप को सारा टाइम कवर करके रखता है जिससे उसके वो पैचेस कलर पैचेस दिखे नहीं, ठीक है। सो ये चीज थी जो तो मिस आउट कर रहे थे, लेकिन लोग मिसेज ऑल की बात को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि ये पक्का वो एक क्रिमिनल है इसलिए ऐसे छुप के बैठा है। नेक्स्ट चीज, जब वो विलेज के वहां से क्रॉस होता था डार्कनेस के टाइम पे, तो लोग उसके सामने सीटी बजाते थे और कौन सा गाना विसल करते थे, बोगी मैन कोई सॉन्ग है उसको विसल करते थे और छोटे बच्चे उसको बोगी मैन बुलाते थे, ठीक है। दिस वॉज योर चैप्टर 4 जो था आपकी नॉवल में से द इनविजिबल मैन। मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको मजा आए होंगे और सॉरी मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी क्योंकि मुझे खुद को बहुत हंसी आई थी ये चैप्टर सुन के, ठीक। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों से बहुत 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 शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।